नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का ऑनलाइन काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर आप भी यहां पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परीक्षा पास किए तो आपके लिए अच्छी न्यूज है। यहां पर आवेदन शुरू हो गया है, जल्द से जल्द आपको आवेदन इसका कर लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि यहां पर लास्ट डेट बहुत कम रखी गई है दोस्तों, और लॉकडाउन का समय भी चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको जल्द से जल्द यहां पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बात करेंगे, कैसे आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और कंप्लीट जानकारी बात करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, काउंसलिंग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए और कंप्लीट जानकारी के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। टोटल देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती थी वैकेंसी, और यहां पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है आपको पता चल चुका होगा, 146,060 कैंडिडेट टोटल यहां पर क्वालिफाइड है जिनको काउंसलिंग कराना है। तो दोस्तों काउंसलिंग कराने के लिए यहां पर नीचे आएंगे, देख सकते हैं आपको तीन स्टेप बताया गया है। सबसे पहला स्टेप पे आप क्लिक करके इससे रिलेटेड पर सभी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, जैसे सीटें जनपद वाइज कितनी है, और यहां पर सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको। यहां पर सेकंड स्टेप है जो कि ऑनलाइन आवेदन का, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसका लास्ट डेट यहां पर 26 मई 2020 रात्रि 12 बजे, रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं 26 मई तक दोस्तों। इसके बाद यहां पर थर्ड स्टेप है, आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट यहां पर जरूर डाउनलोड करना है, जिसका भी लास्ट डेट यहां पर 26 मई 2020 रखा गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो सबसे पहले यहां पर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला है शासनादेश, इसमें आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनपद वार यहां पर पदों की संख्या आपको पता होना चाहिए, किस जनपद में कितनी वैकेंसी है, जिसके आधार पर आप काउंसलिंग कराएंगे उसको वहां पर वरीयता क्रम देंगे। तो आपको ये जरूर देखना होगा कि किस जनपद में कितनी वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो थर्ड नोटिस है, थर्ड नोटिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद यहां पर फोर्थ नंबर मार्गदर्शक सिद्धांत का, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहां पर सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सभी रिलेटेड यहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए कुछ जानकारी देखेंगे, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको घर बैठे अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहला नोटिस हम आपको दिखाते हैं, यहां पर जनपदवार सीटों की संख्या कितनी है, कितनी वैकेंसी यहां पर जनपद वाइज। तो देख सकते हैं ये नोटिस जो यहां पर 16 मई 2020 की जारी किया गया है, और यहां पर नीचे आएंगे तो आपको दूसरे पेज पर यहां पर वैकेंसी मिल जाएगी कि जनपद वाइज कितनी वैकेंसी है। देख सकते हैं यहां पर सभी जनपदों का नाम है और साथ में उनके सामने यहां पर बताया गया कितनी वैकेंसी किस जनपद में है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी हिसाब से आप अपना वरीयता क्रम दीजिए कि कहां ज्यादा सीटें कहां कम है, अपने अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट करिए। तो देख सकते हैं यहां पर सारा वैकेंसी टेबल आपको मिल जाएगा, अच्छे से देख सकते हैं यहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट का नेम है, सभी जिले का नेम है, और साथ में उसके सामने वैकेंसी कितनी है आपको मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको पता भी होगा 69,000 टोटल वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप वैकेंसी टेबल देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो लास्ट वाला नोटिस है जो कि गाइडलाइन का है, यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस भर्ती से रिलेटेड, जैसे आरक्षण किस हिसाब से होगा, यहां पर आपका एज काउंटिंग मतलब क्राइटेरिया से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको, भर्ती से रिलेटेड पात्रता जो भी है इस पीडीएफ में आपको सारा मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप सारा इंफॉर्मेशन इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहां पर नीचे आएंगे तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, जैसे कि आपका जो आपको गुणांक भारांक मिलने वाला वो किस आधार पर मिलेगा, हाई स्कूल का कितना भारांक मिलेगा, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, इसके अलावा यहां पर जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुआ था उसका कितना भारांक मिलेगा, साथ में शिक्षा मित्र को कितना भारांक मिलने वाला है, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस पीडीएफ में मिल जाएगी। और साथ में यहां पर नीचे आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन इसका काउंसलिंग का आवेदन शुरू हुआ है 18 मई 2020 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट यहां पर 26 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक होगा, उसके पहले
पहले ही आपको आवेदन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नियुक्ति पत्र जारी करने का डेट भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 जून 2020 से लेकर यहाँ पर 6 जून 2020 के बीच में आपका नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप इसका एग्जाम क्वालिफाइड किए तो अच्छे से बिना गलती के इसका स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जिससे सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका काउंसलिंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आना है, और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर बता देते हैं आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन जो मिल रहा है आवेदन करे पर, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल आपको देना होगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर इंटर कर लेना है, जो रोल नंबर आपके यहाँ पर जो एडमिट कार्ड होगा प्रवेश पत्र होगा उस पर लिखा गया होगा, जिससे आपने रिजल्ट चेक किया होगा वो रोल नंबर आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जन्मतिथि अपना इंटर कर लेना है। लेकिन जन्मतिथि आपको किस प्रकार इंटर कर लेना है, यहां पर जन्मतिथि इंटर करने के लिए चलिए मैं इंटर करके आपको दिखाई देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं जन्मतिथि आपको इस प्रकार इंटर कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना ईयर इंटर कर लेना है, सन, किस सन में आपका जन्मतिथि, पहले सन इंटर करना है। इसके बाद एक डैश का निशान देना है, डैश का। इसके बाद आपको मंथ इंटर कर लेना है, फिर डैश का निशान देना है, और उसके बाद डेट आपको इंटर कर लेना है। इस प्रकार आपको जन्मतिथि इंटर करना है, ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार आपको जन्मतिथि इंटर करना है। ए वाला निशान नहीं लगाना है, आपको डैश वाला निशान लगाना है। चलिए दोस्तों इसके बाद आपको थर्ड नंबर है, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर कौन सा इंटर करना है, जो आपने जब सहायक अध्यापक भर्ती का परीक्षा का 2019 में फॉर्म फिलअप किए थे तो उस समय जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिया था वही मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, देख सकते हैं ये तीन। चलिए दोस्तों ये तीनों डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आएंगे और चौथे नंबर पे एक कैप्चा कोड है, सिंपली इस कैप्चा कोड को यहां पर इंटर करके जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी जैसे ही जाएगा आपको ओटीपी इंटर करके यहां पर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए स्टेप स्टेप आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी मेरे पास कोई भी रोल नंबर नहीं है जिससे मैं आपको सारी प्रोसेस बता पाऊं, लेकिन मैं यहां पर पीडीएफ के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और आप घर बैठे अपने से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आपको यहां पर नीचे आएंगे और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपके सामने डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेप टू, जो कि अभी मैंने दिखाई, स्टेप टू में ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन था, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होता है, के सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। वहां पर सिंपली आपको मैंने अभी बताया, जैसा कि आपको अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, वही मोबाइल नंबर जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म के समय दिया था। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप इंटर करते ही आपके सामने लॉगिन हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले देख सकते हैं आपको शो होगा आपका डिटेल, जो आपने फिलअप किया था 2019 में, 1 से 13 नंबर तक आपका सारा डिटेल वही शो होगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और ना ही उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया कि आप उसमें करेक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको सीधे यहां पर 14 नंबर के ऑप्शन पे आना है, लेकिन 14 नंबर वाला ऑप्शन भी यहां पर शिक्षा मित्र के लिए, जो शिक्षा मित्र लोग हैं उसमें जाकर अपना शिक्षा मित्र से रिलेटेड जानकारी देंगे, जैसे किस विद्यालय में अभी शिक्षा मित्र के कार्यरत हैं और बाकी जो भी जानकारी है देंगे। और बाकी जो साधारण कैंडिडेट हैं उनको 14 नंबर के ऑप्शन पर भी कुछ नहीं करना है, उनको सीधे 15 नंबर के ऑप्शन पे जाना है और वहां पर जाकर अपना वैवाहिक स्थिति, मतलब मैरिड है या अनमैरिड है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 16 नंबर के ऑप्शन पे जाना है और 16 नंबर सीरियल नंबर क्रम संख्या 16 पे जाना है, और 16 नंबर पे जाकर आपको फोटो पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, उसका नंबर आपको इंटर कर लेना है बहुत केयरफुली। इसके बाद दोस्तों आपको सीधे 17 नंबर पे आना है और अपना राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन जो कि है, भारतीय आपकी जो नागरिकता है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18 नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे और आपको निवास, मतलब एड्रेस से रिलेटेड जानकारी देना है कि आप प्रेजेंट टाइम में कहां रह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस, निवास प्रमाण पत्र संख्या, जो भी आपको डिटेल है वहां पर देना है। इसके बाद दोस्तों आप सीधे 19 नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे और 19 नंबर के ऑप्शन बहुत ध्यान से आपको फिलअप करना है। ये ऑप्शन जो है आपको वरीयता देना है सभी जनपद
को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस जनपद को आप पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब काउंसलिंग के समय किस जनपद को आप पहले सेलेक्ट करेंगे, किस जनपद को बाद में। तो यहाँ पर सभी 75 जितने भी जनपद हैं आपको सभी सेलेक्ट करने हैं। जो पहले सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पहले जो चांस रहेगा कि आपको पहले वहाँ नौकरी मिले, इसके बाद जो बाद में सेलेक्ट करेंगे उसको बाद में। तो दोस्तों इस प्रकार आपको सभी क्रम सभी प्रेफरेंस देना जरूरी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, सभी आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर 75 जनपद यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे देख सकते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं 75 जनपद आपको कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप आगरा में आपको सही लगता है, आगरा में आपको ज्यादा वैकेंसी लगती है, आप आगरा पहले देना चाहते हैं प्रेफरेंस, तो आप पहले नंबर पर आगरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, लखनऊ अगर पहले सेलेक्ट करना चाहें तो लखनऊ कर सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज, जो भी आप मतलब अपने अकॉर्डिंग सीरियल नंबर से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो है बारी बारी से, जो है पहले कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए इस प्रकार आपको प्रेफरेंस दे देना है। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर वरीयता क्रम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, उस कैप्चा कोड को आपको इंटर कर लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप फिर से होम पेज पर जाएंगे और होम पेज का जो मैंने थर्ड स्टेप आपको दिखाया था, थर्ड स्टेप पे क्लिक करेंगे और फिर से आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज की तरफ ओपन होगा। वहां पर आपको अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर और डेटा बर्थ इंटर करना है, फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी इंटर कर लेना है। और जैसे आप ओटीपी इंटर करेंगे और उसके बाद आपको अपना फाइनल प्रिंट ओपन हो जाएगा और उस प्रिंट को आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि बाद में उस प्रिंट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप भूलिए मत, प्रिंट को आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े आसानी से आप एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कैसे आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है। सेम इसी प्रकार का आपका पेज ओपन होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बताया आपको ऐसे ही फिलअप करते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द इसका लाइव प्रोसेस मिल जाए, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव दिखा सकूं कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने पीडीएफ में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।